अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ के लिए हम कैसे सिलेक्शन करते हैं और आईवीएफ किन लोगों को कराना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमारी लास्ट वीडियो बहुत पसंद की, आपके बड़े कमेंट्स आए, मैसेजेस आए, आपने फिर फर्दर रिक्वेस्ट की और क्वेश्चंस पूछे, जिसकी बिहाफ पे मैं आज ये वीडियो अपनी जारी कर रही हूँ। चलिए हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं कि आईवीएफ इक्सी किन को कराना चाहिए। ऐसे लोग, ऐसी खवातीन जिनकी ट्यूबें ब्लॉक हो, ठीक है, ऐसी खवातीन जिनका एएमएच लो हो, एज ज्यादा हो, यानी कि अंडे जो प्रोड्यूस करने की सलाहियत है वो वक्त के साथ, उम्र के साथ साथ कमी की तरफ जाती है, एएमएच लो की तरफ जाता है, वो लो है, एज ज्यादा है, कंसीव करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसी औरतों को आम ट्रीटमेंट जैसे कि ओवुलेशन इंडक्शन है, इंजेक्शन, जो आप लोगों की जुबान में इंजेक्शन लगा के जो अंडा बड़ा करते हैं या दवाई खा के जो अंडे बनाने की दवाई देते हैं वो खा के जाया नहीं करना चाहिए। आप लोगों को अगर आप आईयूआई का अगर आप ट्रीटमेंट एक का साइकिल लेना चाहते हैं तो आप जरूर लें, लेकिन उसके बाद ऐसे लोगों को वैसे डेफिनेटली चाहिए कि डायरेक्ट वो आईवीएफ की तरफ जाएं, इक्सी की तरफ जाएं, जहां पे उनका बाकी सबसे ज्यादा कंसेप्शन के चांसेस, सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा ऐसे लोग, ऐसे मर्द हजरात जिनकी मोर्टेलिटी कम है, जिनके स्पर्म काउंट कम है, वॉल्यूम कम है, ओवरऑल जिनकी रिपोर्ट जीरो निल आती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनका काउंट आता है, वॉल्यूम आता है, लेकिन मोर्टेलिटी जीरो होती है, जिसमें रैपिड, स्लो, प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव, इमोटाइल स्पर्म्स आ, वो सब जीरो 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 आता है। तो ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग जिनका शुरू से लेके आखिर तक जीरो है, काउंट भी जीरो है लेकिन वॉल्यूम आ रहा है, कि वॉल्यूम लेस देन 1.5 है लेकिन है, उन लोगों को पहले तो बायोप्सी करके, टेस्टिकुलर बायोप्सी होती है, टीसा और पीसा के नाम से है, प्रॉपर एक प्रोसीजर है, हम वो आपका करते हैं यूरोलॉजिस्ट के थ्रू, आपको यूरोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं, वो आपका पूरा मुआयना करता है, पूरा इलाज करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी बायोप्सी होकर चेक करते हैं कि बाहर तो उसकी सिक्रीशंस आ रही है, बाहर तो हमें नहीं नजर आ रहा कोई भी स्पर्म या उसकी मोर्टेलिटी, लेकिन क्या कोई स्पर्म है बायोप्सी पे, क्या हमें दोनों टेस्ट से कुछ मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को आईवीएफ इक्सी की तरफ डायरेक्ट जाना चाहिए, वहां पे उनका एज कम्पेयर टू कि वो नॉर्मल या ऐसे लोग वैसे तो ओवुलेशन इंडक्शन और आईवीएफ की तरफ जा भी नहीं सकते, मोर्टेलिटी नहीं है तो कहां से उन्होंने ये प्रोसीजर्स कराने। तो ऐसे लोगों को डायरेक्ट आईवीएफ इक्सी की तरफ जाना चाहिए। तो ये इस तरह के लोग होते हैं जिनको आईवीएफ इक्सी की तरफ जाना चाहिए। 3-4 टिपिकल चीजें, एज ज्यादा है, एएमएच लो है, उसके अलावा आपकी ट्यूबे ब्लॉक है, आपका अगर स्पर्म काउंट, आपका वॉल्यूम, आपकी मोर्टेलिटी कम है, तो मेन टिपिकल इन लोगों के लिए होता है। बहुत से लोग आते हैं कि हमारे बच्चे नहीं है, 3 साल हुए शादी को, 2 साल हुए शादी को, 4 साल हुए शादी को, जब हम उनके कुछ टेस्ट करते हैं थोड़े बहुत हार्मोन्स इंबैलेंस होते हैं, उनको ठीक करके हमारी पहली कोशिश होती है कि हम उनको कहें कि आप नेचुरल 1-2 महीने देखिए ओवुलेशन इंडक्शन के थ्रू, उसके अलावा आप आईयूआई को पहले प्रेफर करें, क्योंकि इस तरह के लोगों में आईयूआई के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू आप आईवीएफ पे डायरेक्ट जा रहे हैं। तो हर प्रोसीजर, हर ट्रीटमेंट का कुछ क्राइटेरिया है और उसके अकॉर्डिंग उसके कुछ सिलेक्टिव पेशेंट्स होते हैं। अब इन पेशेंट्स को हम ऐसे ही सिलेक्ट नहीं कर लेते, इन पेशेंट्स का भी हम प्रॉपर टेस्ट करते हैं, जैसे कि हस्बैंड है, मेल है, उसका सीमन एनालिसिस होता है, उसके ब्लड के कुछ हार्मोन्स देखे जाते हैं, इसमें FSH, LH, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, काफी कुछ आ जाता है उसके अंदर, प्रॉपर एक लिस्ट होती है। उसके अलावा वो यूरोलॉजिस्ट के हैंडओवर होता है, वो उसके अकॉर्डिंग उसके ब्लड में हार्मोन जब तक नॉर्मल ना हो जाए, सीमन एनालिसिस में मोर्टेलिटी, मेल का ही किया है कि शट एंड क्लोज या ओपन एंड शट वाला जो केस कहते हैं ना वो होता है कि बस देखा 1 महीना दवाई यूज की तो आप ये करा सकते हैं। वो फीमेल्स का होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी फीमेल्स के ब्लड में जब तक उनकी हार्मोनल प्रोफाइल, उनके हार्मोन्स, उनके लेवल नॉर्मल नहीं हो जाते, उनके क्राइटेरिया जो आईवीएफ, इक्सी, आईयूआई, व्हाटएवर जो भी ट्रीटमेंट है उसके क्राइटेरिया को जब तक मीट नहीं कर जाते तो ये ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो बेटर यही है कि आप पहले अपना हार्मोनल प्रोफाइल कराएंगे, आप अपना
रूटीन जैसे लैब्स होती है उसमें हेपेटाइटिस बी सी आ जाता है, यूरिनरी आ जाता है, तो डॉक्टर अगर आपको कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन है तो मे बी वो आपको रिकमेंड करते हैं कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट का. उसके अलावा ब्लड ग्रुप, ब्लड सी बी सी, एच पी आपका चेक करते हैं, उसके अलावा डब्ल्यू बी सी, प्लेट, ये सारी चीजें जो रूटीन एग्जामिनेशन की होती है वो आपको दे के सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हार्मोनल प्रोफाइल होती है उनको नॉर्मलाइज किया जाता है, हार्मोन्स को प्रॉपर देखा जाता है, आपके अल्ट्रासाउंड होते हैं, आपको देखा जाता है ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं है, कितना टाइम लगेगा उस. अब हम सिस्ट के साथ एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट है, सिंपल सिस्ट है, लेकिन अगर नॉर्मल साइज से बड़ी है तो पहले उसको ट्रीट करेंगे. उसके साथ आईवीएफ इक्सी नहीं कर सकते क्योंकि उसके सक्सेस रेट ही आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि 35-40% है. 100 के क्राइटेरिया से लिए अगर हम वाइल्ड वर्ल्ड लें तो आप देखें उसका सक्सेस रेट तो आप और हाफ कर देते हैं, तो पीछे तुम्हारे पास कोई सक्सेस रेट रहा ही नहीं, तो आप वहां पे इतने पैसे या इतना टाइम लगाना तो फिर आपके लिए सही नहीं है ना. वो आपको जब आप पता है कि एक चीज में कुआं है उसमें हमने जान के छलांग मारनी है तो वो आपका अपना ही नुकसान है. तो बेटर यही है कि पहले आप अपना प्रॉपर डॉक्टर को चेकअप कराएं, अपना डिटेल स्कैन कराएं, अपना डिटेल हार्मोनल प्रोफाइल कराएं, अपना पूरा ब्लड वर्क कराएं, उसके बाद अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, फिर उनसे डिस्कस करें कि अगर हार्मोन क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करें, और अगर नहीं तो उनको कितना टाइम लगेगा अपनी जगह पे आने के लिए. इसी के साथ ये है कि आप का ये भी क्वेश्चन बार बार था कितना टाइम लगता है, तो इसी बात में मैं उसको कवर करना चाहूंगी कि अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है, क्राइटेरिया को आपके ब्लड हार्मोन मीट अप करें, कोई फाइब्रॉइड नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई पॉलिप नहीं जिसको ट्रीट करने की जरूरत है इससे पहले, तो आपको कम से कम 2-3 हफ्ते, 2 हफ्ते तो आपको इंजेक्शन लगते हैं अंडा बड़ा करने के लिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अंडे कोलेक्ट करने के लिए. और उसके बाद साथ साथ आपकी, जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग यूट्रस की थिकनेस बन रही होती है जहां पे बच्चे को वापस एड करना होता है, वापस इम्प्लांट करना होता है, वो अगर उस दौरान नॉर्मल है, क्राइटेरिया को मीटअप कर रही है, तो विद इन वीक रख देते हैं आपका बेबी. लेकिन अगर वो नॉर्मल से ज्यादा बड़ी हो चुकी है, अंडे तो कलेक्ट कर लिए, या नॉर्मल से ज्यादा एक तो बड़ी है या फिर कम है, तो उसको फिर हम वहां पे आपको नेक्स्ट साइकिल प्रेफर करते हैं, या एक साइकिल ब्लीड करके आप नेक्स्ट पे ज्यादा अच्छा चांस होता है. होप सो आपको समझ में आया होगा और काफी हद तक चीजें क्लियर हुई होंगी कि कौन से लोगों को कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, उसमें क्या क्या टेस्ट इंपॉर्टेंट है और कितना टाइम टेकिंग है ये. इसी के साथ इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे आपकी न्यू रिक्वेस्ट पे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.